हेलो व्यूअर फैमिली, स्वागत है आप सभी का व्यूअर ब्रदर्स के एक और नए व्लॉग में। और नीचे से बहुत आवाज आ रही है आज। हेलो, बहुत कंफ्यूजन चल रहा है विशु किसी बात का। हाँ बाय द वे, मेरे मासी अभी अभी आए ऑस्ट्रेलिया से और ये मासी से मिलवाना रह गया था, तो ये मेरे वाली मासी है। उनका नाम अनसुया मासी है लेकिन हम सब उनको वाली मासी बोलते हैं। हाय हाय। वैसे मासी परसों से आए लेकिन मैं व्लॉग नहीं कर रहा था ना, तो आपको आज दिखाया। बापूजी क्या शेविंग हो गई? वैसे मैं सुबह व्लॉग करना चालू करने वाला था लेकिन थोड़ा बहुत काम में बिजी था और एडिटिंग भी थोड़ा बहुत था व्यू ऑफ का, तो वही सोचा कि सब निपटा लेता हूँ उसके बाद ही व्लॉग करता हूँ। वो तो हमारी पसंद की मन्ना को विशु नहीं पसंद, वो खतरनाक चाहिए तो कहीं बलतूत ले आओ उसे। ये देखो मेरे बेचारे पापा बर्तन धो रहे। लास्ट व्लॉग में पता है ना एंड में रिद्धि ने मेरे को कैसे बोला था बर्तन धोने का? वैसे अभी मम्मी ने पापा को बोला है। ऐसा थोड़ी है, उन्होंने खुद वो कोल्ड ड्रिंक पिया इसलिए ग्लास धो रहे। कोल्ड ड्रिंक नहीं, वो मिल्क शेक था। हाँ, जो रिद्धि ने रात को बनाया था ना। हाँ रिद्धि ने बोला था जो भी पिएगा वो ग्लास धो देगा। मैंने बोला अच्छा मैं धोकर रखते जाऊं। हाँ, कुछ नहीं बोला था ऐसे खाली खाली। क्या तो सरोज मासी ने मासी अभी बातें कर रहे जब सब बहनें छोटी थी ना तब की। ये देखो भाई, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा लेकिन भाई मेरे को सब समझ में आता है। ऐसा बोल रहे हैं मासी कि सरोज मासी है ना, हम ऊपर की नमक रखते थे तो नमक निकालने के लिए जाना पड़ता था ना, तो मासी जाती थी सरोज मासी। तो ये मासी बहुत मजाकिया स्वभाव के है, तो उनको है ना सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ऐसा बोल देते थे कि ये आयु आयु मतलब कि कुछ आया भूत आया ऐसे डराते थे, तो वो नमक लिए बिना भाग के वापस आ जाते थे। इसलिए कबर दे भी आ जाते थे। मैं जब छोटी थी ना, मासी तो बड़े थे मेरे से ज़्यादा बड़े, लेकिन मैं छोटी थी ना तो मुझे कैसे चिढ़ाते थे पता है? मैं है ना बाल संवारने का मासी के पास ही पसंद करती थी, तो मासी को मतलब छोटी मासी बना के देते थे। मासी बना के देते थे और मैं कुछ काम मुझे सौंपे ना कि जाइए लेके आ, तो मैं ना जाऊँ ना तो मासी हाथ मेरे सर पे फेर देते थे, फिर मैं इतनी चिल्ला के रोती थी कि मुझे आप ही बाल संवार के दो, जिसने बिगाड़ा वो ही करके दे, ऐसा करके मैं रोती थी। मासी है ना ऑस्ट्रेलिया से बहुत कुछ लेकर आए सबके लिए, तो अभी सब थैली बना के रखा है कि अंदर सबके अलग अलग नाम लिखे हैं, किसको क्या देना है वो सब मासी ने लिख कर रखा है कि भाई उसमें गलती ना हो। तो मासी अभी जाने से पहले क्रॉस चेक कर रहा है क्योंकि अभी मम्मी मासी और पापा जा रहे हैं मेरे कितने मासी के घर, दो मासी के घर नहीं, हाँ एक मामा और एक मासी के घर, और एक मासी आने वाले हैं तो उनकी भी थैली रेडी की है, तो मासी सब क्रॉस चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं होगी ना, क्योंकि इसकी थैली उसको चली जाएगी तो फिर उसमें इंग्रेडिएंट्स अलग अलग है क्योंकि किसी के घर पे छोटे बच्चे हैं किसी के घर पे बड़े बच्चे हैं, तो उस हिसाब से मासी सब लेकर आए हैं। ये हमेशा का है मम्मी का, जब भी बाहर निकलते हैं ना घर के चप्पल पहन कर ही निकल जाती है मम्मी। वाह क्या स्टाइल है मम्मी। બિના ચપ્પલ પહેરી ચલે ગયા બહુ ખતરનાક ખતરનાક ટીમ હૈ મમ્મી કી બહેનો વાલી ટીમ બડી ખતરનાક હૈ। चलो जय श्री कृष्ण, आओ जो जल्दी। हाँ अभी मम्मी मासी और पापा तो पता नहीं कब आएंगे, शायद 9:30-9:10 तो बजी जाएंगे, तब तक मेरे को जाना है बाहर मारवाड़ी के साथ यानी कि विजय के साथ, और हमारे साथ शायद विश्व भी आएगा। शायद नहीं, मैं ही आने वाला हूँ। आने वाला है? हाँ। चलो भाई ड्राइवर का जुगाड़ हो गया। भाई ये फुटेज है ना कैमरे की, ये मेरे हमारा जो सोनी का कैमरा है ना उसमें मैंने शूट किया, फिर भाई एक सेकंड में ट्रांसफर हो गया। वाह, तो अगर आईफोन होता ना तो ये चीज पॉसिबल नहीं होती। तो अभी मेरे को क्या करना चाहिए, आईफोन लेना चाहिए ये?
वो तो ऑलरेडी है ना मेरे पास, ये रहा अपना S23 अल्ट्रा। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तू ले ले, आईफोन मुझे चल जाएगा, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं। पछतावा हो रहा है ना, मतलब अभी है ना पछतावा हो रहा है। पछतावा नहीं भाई, ये चीज बहुत अच्छी है। एंड्रॉइड में मजा आ रहा है भाई, आईफोन में बहुत लिमिटेशंस होती है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आईफोन का मतलब एप्पल का फोन लेने के बाद है ना, ऐसा ही फील होता है जैसे हमने नौकरी कर ली उनके वहाँ। ये अच्छा है कि भाई आप डेटा ट्रांसफर करने का रहता है ना, तो फटाफट हो जाता है, कैमरा में से इधर भी आ जाता है, कैमरा कनेक्ट होता है ये फोन के साथ। तू सोच, विश्वन आज सोनी का नया माइक लेकर आया है, इसमें कोई सेटिंग मेरे को बिना बताए तो वो चेक कर रहा है। वो जरूरी है ना बोलना, मैं कुछ भी छोटी से छोटी चीज लाता हूँ ना, मैं घर में सबको बताता हूँ कि मैं ये लेने जा रहा हूँ, मेरा ये लेने का प्लान है। तू पार्टी करने के लिए जा रहे हो, क्यों बता देगा? पार्टी करने नहीं जा रहा हूँ, कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ। मैं अगर आपको देखना है ना तो मेरे व्लॉग देखो, सब कुछ पता चल जाएगा, भाई की पोल खुल जाएगी। कोई पोल है ही नहीं भाई, एकदम खुली किताब की तरह हूँ मैं। रिद्धि क्या कर रही है? सो रही है। आज बहुत काम किया ना रिद्धि ने, थक गई होगी क्योंकि मासी जितनी चीज़ें लेकर आए थे ना, वो सारी की सारी चीज़ रिद्धि ने ऐसे अलग 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 की। मासी के साथ बैठकर मासी जैसे बोल रहे थे वैसा वैसा रिद्धि सब चीज़ अलग कर रही थी और फिर उसके अलग अलग बैग बना रही थी। तो वो चीज़ में रिद्धि पूरी दोपहर बिजी थी, तो शायद ज़्यादा थक गई होगी। कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, विशु भी रेडी है और रिद्धि भी उठ गई है। क्या कर रही है रिद्धि? किधर? ओ क्या कर रही है? अपना काम। रिद्धि है ना, कुछ ना कुछ नया लाती है ना, चिपकाने वाला, हर जगह चिपकाती रहती है। ये देखिए यहाँ पर भी उसने चिपकाया है, हमारे बाथरूम में तो 3-4 जगह चिपकाया है और अभी पीछे भी कुछ ऐसा चिपकाने वाला काम कर रही है। और हम वेट कर रहे तपन और विजय की, आ रहे करके भाई आधा घंटा चला गया, लेकिन अभी भी वो रास्ते में ही है दोनों के दोनों। किधर? भाई ये झाड़ू देखो, वॉल में हैंग करने के लिए चिपका है। लेकिन रिद्धि यहाँ से तो निकल जाएगा, टाइल्स पर चिपकता है ना। चलेगा, निकल जाएगा, दो ऑप्शन है। एक्स्ट्रा भी पड़ा है हमारे उसमें, देखो गैलरी में कितना अच्छा, ये झाड़ू ऐसे ही पड़ा था ना तो वो कितना अच्छा हैंग हो जाता है, नीचे पड़ा रहता है तो गंदा लगता है और अच्छा भी नहीं लगता है। ये जो है ना, ये वाला भी लगाना है, ये जो स्टिक है ना वो पतली है और ये वाला मोटा है थोड़ा, इसके लिए वो नहीं लगेगा। भाई विशु वेट कर करके थक गया, तो अभी गाड़ी निकल रहा है, आ जाएंगे तब तक, तो आ जाएंगे वो लोग। अगर नहीं आए तो भाई, नहीं आए तो हम दोनों चले जाएंगे। चलिए भाई, फाइनली तपन आ गया है, अभी और एक बंदे की वेट कर रहा है। क्या बात है, आज फॉर्मल? अभी मीटिंग था, वहाँ से डायरेक्ट आया। मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग करके घर पे गया, मम्मी को कुछ काम था इसलिए निजामपुरा लेके गया, वहाँ से वापिस आया, घर पे ड्रॉप किया और यहाँ पे आया। वेरी नाइस। इसलिए दो केले लेके आया साथ में। क्या लेके आया? केले। केले किसके लिए? अरे वो एक दवाई ली है ना, तो डिनर से 1 घंटे पहले वो लेनी होती है। तो केला मेरे घर पे भी था, मैंने सोचा हम डायरेक्ट निकल जाएंगे तो फिर मैं लेके आया। चलिए भाई, फाइनली विजय भी आ गया, रख दे उधर। मैंने विश्व को बोला ना, तो गाड़ी निकल, मेरे दोस्त लोग आ जाएंगे, इतना तो भरोसा है मेरे को। हाँ हीरो, चल बैठ जा फटाफट। जय श्री कृष्ण। बहुत लेट कर दिया ना फोन देखने। अरे लेने देखने? अरे लेने ना, पक्का ना। और ये सेट हो गया, कौन सी लड़की वाली घड़ी पहनी है? पिंक नहीं है यार, पिंक है ये, तू देख। तपन ये लड़की वाली दिखती है नहीं बता दो? दिखती ऐसे कलर पिंक नहीं है, मरून कलर है। कौन सा कलर है वो भाई? ये तो ट्रेंड है, तने नाम पड़ेगा। अरे ऐसा कौन सा ट्रेंड है भाई, काली घड़ी का ट्रेंड हमेशा रहता है, वो बेस्ट है। काली तो एवरग्रीन है, पर कभी कभी चेंज के लिए नहीं पहनते। नहीं पहनते एनडी माले। हाँ भावेश भाई ने दिया ले बल्ला। हाँ तपन, तू इतना सारा कसोल का इन्फॉर्मेशन विश्व से निकल रहा है, तेरे को जाना तो होता नहीं है कहीं पर? अरे मैं एक ना हमारे साथ कई बार आना होता है। भाई क्या बोला? ए भाई लास्ट ईयर जो ट्रिप था उसमें मैं कंप्लीटली रेडी था। तेरे को पता था वो कैंसिल होने वाली है, इसलिए है ना विजय? रुक जाओ लाइट। हाँ वो तो तूने अच्छा राइट टाइम पे बोला, वरना वो मेरा सब गियर भी आ जाता था, शूज जैकेट वो सब मैं लेने जाने वाला था। तो लेके रखता ना, अभी कभी भी हम निकल सकते हैं। अभी ले लो, बोल तू करता है प्लान? तो जो भी ले दो लेना, मेरा भी ले। मारवाड़ी। चलो इसी बात पे हम स्पीति जाते हैं कार लेके, विंटर स्पीति करते हैं भाई। अभी तो स्नो भी, स्नो बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये नहीं आएगा ना, इसका बच्चा आने वाला है।
हम जा सकते वो भी एक साथ तपन को शादी करनी है वो भी नहीं आएगा पूछ उसको लड़की भी चाहिए ना उसके लिए अभी जाके लगन में गया था देखने शादी में नहीं गया था लेकिन उसको पसंद भी नहीं आई थी ना वो भी नखरे इसके मैं जाके फिर भी आके वो सब कर सकता हूँ भाई इसमें दे जिंदगी पूरी जिंदगी निकल जाएगी शादी कर ले भाई स्पीति इधर का इधर रहने वाला है हम कभी भी जा सकते हैं लेकिन उम्र निकल जाएगी ना तो शादी नहीं हो पाएगी फिर अरे बहुत दूर से चलिए भैया पहुंच गए उधर जाना है एनडी मोबाइल लेकिन पहले गाड़ी चेक कर लेते बराबर लगी है कि नहीं बराबर है वैसे तो परफेक्ट है भाई फाइनली आ गए एनडी मोबाइल पर फिर से लेकिन इधर अरे जी मिल गए फाइनली दर्शन दे दिए अभी यस सर दो चार फोन भी दे दो अभी फ्री में भाई लोग मोबाइल शॉप में एक्सेसरीज लेने के लिए आते हैं मोबाइल फोन लेने के लिए आते हैं लेकिन ये बंदा फोन चार्ज करवाने के लिए आया है ओहो फाइनल करते डील डन तो ठीक है जी वो जो बचे ना जो ही ले भाई डन हमारा मित्र जे મિત્ર મિત્ર છોડો અને ડીલ કો હવે ફાઇનલ ફાઇનલ ડીલ જે લઈ જાઓ તમારા માટે હું છે હવે અરે પણ કઈક ફાઇનલ મસ્ત કરી આપો અને એક્સચેન્જ માં S23 અલ્ટ્રા આપવાનો છે અરે સોરી 22 15 બી છે ને ખાલી 15 ફોર અલ્ટ્રા અને 15 બન છે એ બતાવો ને 14 પ્રો બતાઈ દો આ લેવાનું છે કે નહીં એક દિલ્હી માટે બી આ તું કહીશ એટલે પણ આ નાનું તો એટલા માં 16 માં હેડ માં તો એટલો છે આનો ભાવ ના ના 10 નહીં હેડ માં તો મેં પેલી માં સાઈડ ઉપર નથી એ દેખેગા પૂરી દુનિયા ભર કે ફોન લેકિન લેગા જો હોય જો ઇસને દેખા નહીં દેખા નહીં 128 જીબી છે ઉસકા દિલ્હી માટે જો તો તું પહેલા તારું તો ડન કર પછી આ તો પહેલા તમારું જો પછી કરીએ આપણે હા પહેલા આની ડીલ ડન કર તું 128 જીબી છે उसके साथ में क्या देते हो तो और एक चीज ऐसा करके दो चार चीजें देते है भाई यूज्ड फोन के साथ में तो अभी इसके साथ क्या दोगे फोन के साथ डील करते मेरे को कुछ नहीं चाहिए पैसे कम लो चलो भावेश भाई मड़िए भाई मारवाड़ी ने फाइनली फोल्ड 4 है दिखा अरे नहीं खुलेगा तभी समझ में आएगा फोल्ड 4 है भाई मारवाड़ी ने फाइनली फोल्ड 4 ले लिया उसके साथ में कवर भी ले लिया एनडी मोबाइल से विजय प्रमोशन कर रहा है इनका तो एड्रेस बता दे फिर पेमेंट देते तो कर देते भाई मस्ती कर रहे भाई वो भी बहुत पुराने दोस्त है इनके साथ बहुत ऐसा मस्ती मजाक हमारा चलता है वैसे ये वासना रोड पर है आपको अगर पता हो तो उरव हॉस्पिटल है ना उसके बिल्कुल सामने है ये एनडी मोबाइल तो अगर किसी को भाई यूज्ड फोन में डील करनी हो तो इनके पास आना वैसे भाई हमारी तो बहुत कम डील होती है इनके साथ चलो भाई फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू आज पार्टी विजय देगा कल दूंगा हम पार्टी ले दे कुछ भी ना करे लेकिन भाई इसका देखो इधर किला प्रोग्राम चालू हो गया साला एकलो खाई जाए गाल पचोड़िया था से मैं तने पहला के ऑफर करे गाल पचोड़िया करी ने भी केड़ू ऑफर करे थे गमे जे हाथ में खाई ले भाई खाई ले अर्जुन जी की आंखों घुसी जा भाई एक बाइट की जगह पूरा केला घुस जाएगा तू भाई आराम से खा ले ये लो जी हम आ गए इनॉर्बिट मॉल अभी इधर कुछ छोटा मोटा विश्व को खरीदना है उसका हमेशा का रहता है तो भाई उसको क्या खरीदना है पता नहीं लेकिन अगर कुछ जम गया तो साथ में हम लोग भी हमारा कुछ ले लेंगे बैदी गंगा में हाथ धो लोगे आप हाँ वही वही क्या बोलना है विजय मैं तो नहीं लूंगा ये अभी ले लिया अभी अच्छा हाँ इसका बड़ा बड़ा खर्चा हो गया भाई क्या बंद हो जाएगा दो जन अरे नहीं होगा बंद दो मिनट लगेगी गाड़ी पार्क करने में कितना टाइम लगता है हाँ अभी 15 मिनट है हमारे पास 15 मिनट के बाद बंद होगा जो भाई जमानू जे करो ना फटाफट कही दो जो मैंने बहुत डेंजर भूख लगी तो एक काम करो अहियाँ अपने घरे जाइसू मारा घरे मारू अर्धो कलाक नो भी काम नहीं 20 मिनट में पता ही ना पछी अपने जाइसू अरे वो लेडीज का है ना अच्छा ये वही है अरे ये कार निकल गया उसको पहना तो आपका साथी लगेगा वो तारी बात करो यूनिफॉर्म सेम है ना दोनों का आप थक जाओ तो बोल देना भाई गया ऊपर से फर्स्ट विश्व बोल रहा है मैंने गाड़ी लॉक किया नहीं मेरे को याद नहीं है तो लोग चेक करने के लिए वापस गए 45 सेकंड में नहीं हो जाता है अगर तो भूल गया नहीं वो पता नहीं भाई स्कॉर्पियो का मेरे को आइडिया नहीं है मेरी गाड़ी में तो दूर जाते हैं ना थोड़ा भी समझ 4-5 फुट दूर चले गए तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है अच्छा मेरा 45 सेकंड का है 45 सेकंड में अगर तूने लॉक करना भूल गया तो वो लॉक ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है ये फ्लाइंग मशीन में देख लेना एक बार जो कलर दिखा है जब लोग अरे रुक जाना साथ जेनू खरीद दो अरे साथ में जाएंगे अभी टाइम है आजा टाइम जो चीज़ विश्व ढूंढ रहा है ना वो हमने
फ्लाइंग मशीन में तो देखी देखी लेकिन उससे पहले US पोलो में भी देखी और MNS में भी देखी, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है अभी। वो क्या चीज़ है ना मैं आपको बता नहीं सकता, काश बता पता तो बता देता है ना। अभी इसमें जाते हैं भाई इंडियन टैरेंट, जहाँ पर इंडियन नाम होता है ना वहाँ पर मिल ही जाता है। ट्रिप पे भी गया था मम्मी को बोलेंगे ना घर पे फोटो हमको मिले तो मम्मी को भी ले जाते हैं। आप भाई बहनों तो लगता क्यों नहीं है, शायद आप पापा पे गए आप मम्मी पे गए ऐसा कुछ। अच्छा आप पापा पे आप मम्मी पे, आप दोनों ट्विन्स हो तो लग रहे हो फोटो। अरे ले लो, एक विवा फैमिली वो जा रही है, एक विवा फैमिली फिर से मिल गई। क्या नाम है आपका? प्रज्वल। प्रज्वल आर्श, दोनों के खतरनाक नाम है। अभी घर पे ना सीधा विशु घर पे जा रहा है, और फिर अगर प्लान बना बैठ जा और अगर फिर प्लान बना तो शायद बाहर खाने के लिए जाने का सोच रहे, लेकिन देखेंगे वो मौसम कैसा बनता है उसके ऊपर डिपेंड है। भाई दो दो बच्चे का बाप होने आया है, दूसरा बच्चा आने वाला है, और ये देखिए भाई ये क्या ये है, मुंह पे दिखा इसलिए मैं क्लीन नहीं किया, पानी गिर रहा है। हाँ, क्या पानी क्या? ये तो ये गिर रहा है इसलिए तो जानबूझ के मुंह पे पानी लगा दिया, पानी गिर रहा है। नहीं नहीं भाई ऐसा, ये देख बोतल भी इधर ही है, वो तो अभी लिया तूने, अभी लिया जो मैंने पी के उसको दिया। भाई करनी है तो बोल देता ना। घर पे पहुंच गए, अभी विजय के फोन में डेटा ट्रांसफर करने के लिए रखना है, और मेरे को भी कल के विवा फुटबॉल के वीडियो के लिए छोटा सा काम पेंडिंग था वो खत्म करना है। कल सब जाएंगे साथ में, ठीक है? जूही भाभी भी आएंगे, तू भी आना, ओके? बाय बाय, जय श्री कृष्ण। चलो भाई अपना काम हो गया है, और अभी जैसे कि प्लान बनाया था कि फौजी के ढाबा जाएंगे, तो भाई फाइनली फौजी के ढाबा जा रहे हैं, और विश्व पहली बार आ रहा है। पहली बार भाई, इसका भाई डेटा ट्रांसफर भी हो रहा है 65। अभी थोड़ा दूर रहे भाई, क्योंकि अगर केबल वेबल हिल गया ना इसके इधर आना मत। हाँ, ये लक्ष्मण रेखा है। वाह भाई वाह, तो बोलता है तो मैं अलग गाड़ी लेकर आऊँ। नहीं नहीं इतना नहीं भाई, एक बहुत बड़ा सीन हो गया है। फौजी का ढाबा का है ना टाइमिंग 11 बजे का रहता है बंद होने का, और वो हमारे दिमाग से निकल गया, और अभी कितने घड़ी चालू हो रही है मेरी, कितने बजे विजय? 10:20 हुए है, यानी कि भाई हमारे पास सिर्फ 40 मिनट है, वो 40 मिनट में उधर पहुंचना है। सबसे बड़ी टास्क तो वही है, क्योंकि यहाँ से भाई हमारे घर से तकरीबन 15 किलोमीटर तो होगा ही ना, अभी ज़्यादा होगा ना, मतलब 15-17 किलोमीटर के आसपास है, तो भाई उधर पहुंचने में ही एक टास्क है। तो अभी भाई जल्दी से पहुंचेंगे, अगर फौजी का ढाबा खुला होगा तो भाई खाएंगे। फाइनली पहुंच गए फौजी का ढाबा, लेकिन अभी चालू है या बंद है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई इनका जल्दी भी ख़त्म हो जाता है खाना, और अभी 10:45 बज गए, 11 बजे बंद होने का टाइम है। अरे वो किधर गाड़ी रखने गया है इतनी बड़ी जगह छोड़कर? हाँ उधर ही बैठेंगे ना, है ना? अरे वाह, चलो भाई चालू है, कोई टेंशन नहीं। अभी भाई मस्त खा लिया, और ना खाने के चक्कर में मैं आपको दिखा नहीं रहेगा कि भाई क्या खाया क्या नहीं। और सॉरी, अरे हमारा फ्रेंड से बाजू जता रहा है ना भाई, अंधेरे में ऐसा होता है। देखो इन लोगों को मैं अपने दोस्त समझ के आ गया, इतना सारा खाया लेकिन भाई दिखाया ही नहीं आपको, भूल गया ना खाने के चक्कर में। मैं अभी है ना तुम दोनों को समझ के, वो दो भाई खड़े हैं ना उनके साथ जाकर बातें करने लगा, डायरेक्ट व्लॉग कर रहा था मैं। हो गया तुम्हारा? नहीं अभी बाकी है भाई, जल्दी करो भाई। कैसा लगा तेरे को फौजी का ढाबा का खाना? अच्छा लगा भाई, फौजी का ढाबा का खाना। तो क्या बोलते हैं? हाँ यानी बोलने का तेरा तरीका। चले भैया घर पे पहुँच गए, अभी तपन क्या करेगा, तू विजय की वेट करेगा? नहीं मैं जाऊँगा, जाएगा विजय, देख धोखेबाज दोस्त है अपना। फिर मैं यहाँ पे सो जाऊंगा। तो सो जा, कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं भाई, निकल। बाय बाय, गुड नाइट। चलो डेटा ट्रांसफर करें अपना। नथिया आनू करे क्यों? ओ पैना मेरे, एक और मासी आ गए। जय श्री कृष्ण। फराड़ चालू छे उपवास से पैना ने। चलिए भाई तो अभी विजय, मम्मी 2 मिनट व्लॉग एंड कर दूं। इतनी हंसी क्यों आ रही है, क्या हुआ? ये पता नहीं, इन लोगों का कुछ अलग ही गेम चल रही है। बस भाई आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आपको व्लॉग कैसा लगा हो कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। भाई ना बाय बाय बोल बोल, बाय बाय बाय। भाई ना सर मार रही है, बाय बाय। Bye.
बाय 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 बाय।